और बता दें कि बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो गया है। 28 जनवरी को वोटिंग होगी, 11 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन का अंतिम दिन 18 जनवरी तय किया गया है। 28 जनवरी को ही वोटों की गिनती भी कर दी जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान होगा। तो 2 सीटें विधान परिषद की, उनके लिए उपचुनाव होगा और उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 28 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रूपेंद्र, बताएं जानकारी क्या है? देखिए, जिस तरह माजी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अपने पहले तो कार्यकारिणी की बैठक उनकी हुई और उसमें उन्होंने कई फैसले लिए, जिसमें साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मैं दबाव बनाऊंगा कि एक जो MLC का पद जो है वो इनके पार्टी को दिया जाए और एक मंत्री का पद जो है वो इनके पार्टी को मंत्री मिले, क्योंकि इनके 4 जो विधायक है उसमें से एक मंत्री मिले। वहीं उन्होंने कहा कि जो बोर्ड जो है, जो बोर्ड है उस बोर्ड में भी अध्यक्ष और सदस्य के जो पद है उनके पार्टी को लोगों को मिले। तो एक तरह से कोरोना से उभरने के बाद माजी जो कोरोना से जब हॉस्पिटल से लौटे हैं उसके बाद तुरंत ही एक्शन में आ गए हैं और एक्शन में आते ही उन्होंने डिमांड रख दिया। वही दूसरी तरफ जिस तरह माजी ने बंगाल चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन भूपेंद्र, ये अचानक से क्या हो गया? कल तक तो तेवर कुछ और थे, कल अंदाज कुछ और था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कि नीतीश कुमार के साथ पूरी आस्था है, हम उनके साथ हर हाल में रहेंगे। अचानक से अब डिमांड कैसे शुरू हो गई, और वो भी ऐसी डिमांड जो कि शायद पता नहीं कितना सरकार उनकी बात से या मुख्यमंत्री कन्विंस हो। 4 विधायक हैं और आपको एक मंत्री पद भी मिल चुका है। देखिए, माजी का दरअसल सवाल ये है कि माजी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना जानते हैं और हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करके ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है VIP पार्टी के भी आपको 4 विधायक हैं और मुकेश सहनी जो हैं जो चुनाव हार गए थे उनको MLC पद दिया गया है और MLC के लिए ये जो सरकार है जो वो MLC देगी और जो BJP है अपने कोटे से उन्हें MLC बनाएगी, जो BJP ने साफ तौर पर कह दिया है। उसके बाद माजी को, जिस तरह माजी को ये देखा गया है कि वो उसके बाद एक्शन में आए हैं और उन्होंने JDU से, क्योंकि वो JDU के साथ गठबंधन किए हैं और जहां तक VIP पार्टी है वो BJP के साथ की है, सब उसको लेकर वो दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। तो दूसरी चीज ये है कि बिहार के राजनीतिक जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बदलते जा भाई रहे हैं। ये फोनो उसी पे चल रहा है। तो आपको बता दें रुपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो NDA में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने मांग कर दी है कि मंत्रिमंडल में एक और पद चाहिए उन्हें और एक MLC की भी मांग कर रहे हैं कि एक विधान परिषद की कोटे से भी हमें एक सीट दी जाए विधान परिषद में। अब ये पहले से क्या JDU से इस तरह की उनकी कोई बातचीत रही थी या अचानक से ये उठी हुई डिमांड है? रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं कि जैसे मुकेश सहनी को MLC बनाया जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी के साथ BJP की पहले से ही यही डील हुई थी, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं ले रहे, तो जीतन राम मांझी के साथ क्या JDU की इस तरह की कोई डील हुई थी चुनाव से पहले जब वो शामिल हो रहे थे NDA में? देखिए, जीतन राम मांझी के साथ जैसे डील की बात है, जीतन राम मांझी ने उस समय कह दिया था साफ तौर पर कि मैं सीट के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं नीतीश जी के लिए जा रहा हूं और मैं पहले से ही JDU में था, मैं JDU के साथ गठबंधन कर रहा हूं, वो एक भी सीट देंगे तो जो है वो हमें मान्य है। तो इसके बाद सीताराम मांझी को 7 सीट मिला और 7 सीट मिलने के बाद चुनाव उनके जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने लड़ा, 4 सीटें उनके पार्टी से जो है उम्मीदवारों ने जीता और 4 उनके विधायक हैं। उसके बाद उनके बेटे पहले से MLC हैं, जो पहले वो राजद के साथ थे तो राजद कोटे से वो MLC बनाया गया तो उनको मंत्री पद मिला। लेकिन मांझी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है उनकी पार्टी जो है वो माजी की पार्टी से नई पार्टी है और उन्हें BJP बहुत कुछ दे रहा है तो हमें भी जो है वो मिले। दूसरी चीज है, बिल्कुल समझ गया रुपेंद्र, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स है और मांझी जाहिर तौर पर ये चीज करते रहे हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने इस तरह की मांग उठा दी है कि उन्हें एक MLC का भी, यानी विधान परिषद में भी एक सीट दी जाए MLC की और इसके अलावा एक और मंत्री पद चाहिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। ये मांग जीतन राम मांझी की तरफ से की गई है। 4 विधायक हैं, उनको पता है कि अगर वो प्रेशर बनाते हैं तो NDA सरकार के लिए मुश्किल होगी, इसीलिए उन्होंने ये दबाव बनाना शुरू किया है। तो ये लगातार प्रयास जीतन राम मांझी का
और जेडीयू की तरफ से रुपेंद्र क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है? देखिए, जेडीयू की तरफ से अभी कुछ नहीं बोला गया है और जेडीयू जो है कुछ देर के बाद जेडीयू बोले कि उनके प्रवक्ताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन यह साफ कह रहा है कि यह सरकार चलने वाली नहीं है और जैसे सीताराम मांझी ने बयान दिया है तो महागठबंधन को बैठे बैठाए एक मुद्दा जो है वो जरूर मिल गया है और वो साफ यह कह रही है कि इस बयान को लेकर वो कह रही है कि देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दो दिन पहले की बात बताते तो भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर के जेडीयू के विधायक ने साफ तौर पर जो है बीजेपी पर निशाना साधा था। उस समय भी विपक्ष को एक मौका मिला था और दो दिन के बाद जो सीताराम मांझी इस तरह बयान दे रहे हैं तो विपक्ष जो है उसको लेकर जो काफी खुश है और वो साफ कह रहा है कि जो एनडीए है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो एनडीए में ठीक ठाक कुछ नहीं है लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात से खुश जरूर होगा रुपेंद्र, क्योंकि विपक्ष को पता है कि अगर मांझी चार सीट उनके पास है, चार विधायक हैं, अगर वो दबाव बनाते हैं और या किसी भी तरीके से वो पाला बदलते हैं तो एनडीए सरकार निश्चित तौर पर मुश्किल में आ जाएगी और ये जीतनराम मांझी को पता है बखूबी। देखिए, एनडीए सरकार जरूर मुश्किल में आ जाएगी और यही कारण है कि मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सूत्रों का बिल्कुल। रुपेंद्र आपको रोकना चाहते हैं इस वक्त, आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, जरा बताइए, ये जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से दबाव बना दिया, अचानक से उन्होंने एक एमएलसी की मांग कर दी है और एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, उनको पता है कि चार विधायक हैं, अगर वो नाराज होते हैं, अगर वो दबाव बनाते हैं तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगी। अभिषेक जी, देखना होगा आपको कि सीताराम मांझी जी हमारे साथ भी थे तो हम लोगों ने एमएलसी का एक पद उनको दिया था संख्या बल नहीं रहने के बावजूद भी, तो अब उनके साथ है, सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल जो है आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल पोजीशन में है और उन परिस्थितियों में तो इनका एक मांग मंत्री पद का मांग होना चुके, इनको विधायकों को भी सुरक्षित रखना है और दूसरी तरफ जो है एमएलसी का भी इनको देना भी लेना भी है। इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी को अपने सोचना पड़ेगा कि आखिर ये इस सरकार कब तक इस तरह से प्रेशर पे चले। इतनी बात तो सत्य है ना कि हर जो गठबंधन जो घटक दल है इन पे लगातार वार करेंगे, आज तो जीतनराम मांझी जी का फिर मुकेश सहनी जी से नहीं बोल रहा है, कभी एमएलसी बने नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो अभी समय हुए हैं, वो अभी एक एक, एक तो भी मांगेंगे, उनके साथ भी एक आएंगे एमएलसी लेना है कौन से मांगे, तो हालात धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो दो महीने हुए हैं अभी तो नहीं। लेकिन शक्ति यादव, इसको इस तरीके से देखना होगा जरूर, सियासत में ठीक है प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, आपके वो विरोधी हैं एनडीए के लोग तो जाहिर तौर पर आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीतनराम मांझी सरकार गिराने की तरफ बढ़ जाएं या नाराज हो जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या इस तरह की सियासत सही है, क्योंकि एक डील हुई थी मुकेश सहनी की और उसके नाते उनको एमएलसी की बात कर दी गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन जेडीयू और जीतनराम मांझी के बीच ऐसी जब कोई बात नहीं हुई और अचानक से जीतनराम मांझी कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग ही तो है। नहीं, बार्गेनिंग एक बात, अब हारे हुए व्यक्ति इसके पास चार संख्या बल है, इनके पास संख्या बल चार है, आप उसको एमएलसी दे सकते हैं तो नियमानु को इनको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, सवाल है कि आप एक व्यक्ति जो चार सीट जीत करके आया है, आप उसको एमएलसी बना करके मंत्री बना रहे हो, इनको भी तो आपको देना पड़ेगा एक एमएलसी, तो स्वाभाविक तौर पर इनकी मांग को मैं जाए तो ठहरा नहीं सकता, जो आपने आ रहा नहीं, 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 लेकिन वो अलग नहीं, नहीं शक्ति यादव जी आप मेरी बात नहीं समझे, बीजेपी ने जब वो किया सीट बंटवारा किया, सीट शेयरिंग हुई, तो उसी वक्त मुकेश सहनी को कह दिया गया कि एक एमएलसी भी आपको देंगे, तो इसका मतलब है कि वो पहले से तय था, जीतनराम मांझी की डिमांड ये अचानक से जो आज उठी, जो कल तक कह रहे थे कि हम एक सीट भी मिलती है तो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे क्योंकि हमें नीतीश कुमार में आस्था है। सवाल ये है, हमारे साथ आनंद झा भी जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता, उनसे भी बात करते हैं। आनंद झा जी, आप बताइए जो कुछ हो रहा है ये क्या है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं है तो क्या है? थैंक यू अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब अलायंस में एनडीए के अलायंस में मांझी जी आए थे उस समय तय हो गया था कि माननीय नीतीश जी मांझी जी को हैंडल करेंगे और मुकेश जी से संबंधित विषय को भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, तो जो भी उनका डिमांड है वो अपना अपने स्तर से वो माननीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे। और दूसरा कि अगर लोकतंत्र में और एनडीए की ये खूबसूरती है कि
कोई भी अपना वक्तव्य रख सकता है, अपने विचार को रख सकता है, और मांझी जी अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से इसका हल माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे, और स्वतंत्र हैं अपने विचार को रखने के लिए। हर कोई चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिल सके और ज्यादा से ज्यादा हम, लेकिन लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, चार विधायक उनके हैं, उनको पता है कि अगर वो नाराज होते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। देखिए, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी अभिषेक जी, मैं काउंटिंग के पहले से ही लगातार कह रहा हूँ कि सरकार हमारी बनेगी और निश्चित रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं है, और जो कोई भी विषय आता है वो एनडीए सक्षम है, मिल बांट के बात हो जाएगी। सबसे बड़ी जो बात है वो है बिहार की सेवा, बिहार को ऊपर उठाना, बिहार में विकास की योजनाओं को लागू करना, तो बिहार की चिंता एनडीए को है और वो उस विषय को लेकर के कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।